हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे आप पीरियड्स में होने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूं कि आप वीडियो को स्किप ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप करने के चक्कर में कुछ घरेलू नुस्खे मिस हो जाएं। पीरियड्स होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इस समय हमारी बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस आने लगते हैं, जिसके कारण हम इस टाइम बहुत ही सुस्त चिड़चिड़े हो जाते हैं। कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता और नींद भी हमें बहुत आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं, यह बहुत ही नॉर्मल है। पर कई बार हमें इस दौरान इतना दर्द होने लगता है कि वो असहनीय होता है और उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस समय ना सिर्फ हमारे पेट में बल्कि पीठ और पैरों में भी बहुत दर्द होने लगता है। मैं भी एक लड़की हूँ और इन सभी प्रॉब्लम से गुजरती हूँ, इसलिए समझ सकती हूँ कि हमें उस टाइम कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पीरियड्स में इतना दर्द होने का कारण शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ सही खान पान ना होना और ठंडा पानी पीना भी इसका कारण हो सकता है। इसलिए अपने खाने में विटामिन युक्त खाना, हरी सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें। कई लोग इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, पर हम इस दर्द से कुछ घरेलू उपायों से भी छुटकारा पा सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस दर्द से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पीरियड्स में कम पानी पीते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस टाइम हमारी बॉडी से बहुत ही जरूरी तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण हमारे पेट में सूजन और ऐंठन बनने लगती है। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान देना होगा कि आप पीरियड्स के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अगर आप चाय या कॉफी के बहुत शौकीन हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप पीरियड्स के दौरान चाय या कॉफी का सेवन कम से कम करें, क्योंकि इसके ज्यादा सेवन से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है और पेट की समस्या अधिक बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपका चाय पीने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो आप जब भी चाय का सेवन कर रहे हैं तो उसमें ध्यान से तुलसी के पत्ते डालकर जरूर उबालें और उस चाय को पिएं, क्योंकि तुलसी एंटीसेप्टिक होती है और इसके प्रयोग से आपको दर्द में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में आप एक गिलास दूध में एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पिएं, क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे आपको पेट में दर्द, सूजन या फिर ऐंठन में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने खाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें जिससे आपको गैस बनती है, क्योंकि गैस की समस्या अगर आपको बढ़ जाएगी उसके कारण भी हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इस टाइम अजवाइन आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप आधा चम्मच अजवाइन को आधा चम्मच नमक के साथ मिलाकर पिएं, इससे आपका पेट का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अक्सर देखा गया है कि जिन लेडीज में कैल्शियम की कमी होती है उन्हें पीरियड्स में ज्यादा दर्द होता है, इसलिए आप इस टाइम ज्यादा से ज्यादा दूध और दही का सेवन करें। इसके अलावा आप गर्म पानी की थैली से भी अपनी कमर को सेक सकते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और अगर आपको इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो आप अपने खाने में दूध, दही और हरी सब्जियों का सेवन लगातार करते रहें। इससे आपको कैल्शियम और आयरन की कमी नहीं होगी और आप इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। पीरियड्स के दौरान आपको अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जो कि असहनीय हो जाता है। इसलिए आप इस टाइम अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखें। पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पपीते का सेवन जरूर करें, क्योंकि पपीता हमारे पाचन तंत्र को ठीक बनाए रखता है। इसके प्रयोग से ब्लड का फ्लो भी सही रहता है। फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप इन नुस्खों का इस्तेमाल करोगे तो आप अपने दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।